हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बनाएंगे लहसुनी पनीर बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। तो बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए लेंगे हम एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो यहाँ पे घी बटर का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम लेंगे कुछ खड़े गरम मसाले और जीरा, जैसे कि दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च। और इन सभी चीज़ों को जब रिफाइन अच्छे से गर्म हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे। और अब हम लेंगे यहाँ पे प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया पत्ता। तो जब मसाले से अच्छी खुशबू आने लगे उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इसे हल्का सॉफ्ट करना है। तो प्याज हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे 1 मिनट पकाएंगे। और इसके बाद हम इसमें 10 से 12 लहसुन और 2 बड़ी हरी मिर्च हम इसमें डालेंगे। और इसे भी हम हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर को भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इसे हल्का सॉफ्ट ही करना है। और अब हम डालेंगे इसमें बटर, यहाँ आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे यूज़ नहीं भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 10 से 12 काजू और 1 बड़ी चम्मच मगज। और इन सभी चीज़ों को हम 1 मिनट तक पका लेंगे हाई फ्लेम पे। हमें किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें सिर्फ सभी चीज़ों को हल्का सॉफ्ट करना है। और अब हम इसमें डालेंगे कलर के हिसाब से हल्दी पाउडर, आप जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और इसे अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने पहले भी डाला था, इसलिए हमें यहाँ पे केयरफुली नमक डालना है। और इन सभी चीज़ों को मिक्स करके 1 मिनट तक हम पका लेंगे। और लगभग 1 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता और गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगी फिर हम इसकी महीन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो तब तक हम अपनी दूसरी इंग्रेडिएंट्स ले लेते हहैं। तो अब हम लेंगे एक बाउल में 3 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर, लहसुन पेस्ट और 1 चम्मच उजली तिल। इन सभी चीज़ों को एक बड़ी सी बाउल में पहले हम डालेंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम इसमें 2 बड़ी चम्मच डालेंगे मैदा, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसकी घोल तैयार करनी है तो हम ज़्यादा पतली घोल नहीं तैयार करेंगे और ना ही ज़्यादा थिक घोल तैयार करेंगे, इसी तरह हम घोल तैयार कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो पनीर की पीसेस आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गर्म करने के लिए रखा था। और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगी उसके बाद हम इसमें पनीर की क्यूब डालेंगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ऑयल हमारी बिल्कुल अच्छे से गर्म होनी चाहिए। अगर हमारी ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं रहेगी तो पनीर हमारी नीचे से चिपक जाएगी। एक एक करके हमने सारे पनीर इसमें डाल दिए। और जब ये एक साथ हल्की गोल्डन हो जाएगी इसके बाद हम इसे पलट देंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्की गोल्डन तक होने तक ही हमें इसे पकाना है। सभी पनीर को एक एक करके हम पलट देंगे। सारी पनीर को हमने पलट दिया था और 1 मिनट हो चुके हैं। तो पनीर हमारी दूसरी तरफ भी अच्छे से पक गई थी, तो सारे पनीर को हम निकाल लेंगे। सारे पनीर को हम निकाल लेंगे और बाकी बची हुई पनीर को भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच एकदम महीन कटी हुई लहसुन और इसे हाई फ्लेम पे हम 15 से 20 सेकेंड पकाएंगे। और 15-20 सेकेंड के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे हमने जितनी लहसुन ली है 2 बड़ी चम्मच, तो यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच हम हरी मिर्च लेंगे, लेकिन वो भी एकदम महीन कटी हुई। और दोनों को हम हल्का कलर चेंज होने तक पका लेंगे।
और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे एक बड़ी चम्मच कसूरी मेथी और इसे भी हम 15 से 20 सेकेंड तक पका लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लहसुन की हल्की कलर चेंज हो गई है। तो अब हम यहाँ पे टमाटर और प्याज वाली जो मिक्सचर हमने तैयार की थी उसे हमने ठंडा होने के बाद पीस लिया था, तो उसे हम इसमें डालेंगे। तो हमें इसे इसमें सभी मसाले को अच्छे से इसमें डालना है, उसके बाद हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक बड़ी चम्मच बटर डालेंगे। आप यहाँ पे घी का भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे सरसों का तेल यूज आप मत कीजिएगा। और इन सभी चीज़ों को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाएंगे। तो लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार हम पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से 1 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो लगभग यहाँ पे 1 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मसाले की कलर भी चेंज हो गई है और ऑयल भी चारों बगल से सेपरेट हो गई है। तो मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे पनीर जिसे हमने फ्राई किया था उसे हम डालेंगे और इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो लगभग 1 मिनट हो चुके हैं, तो पहले तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल ये चेंज हो गया है। और अब हम यहाँ पे डालेंगे क्रीम। तो हमने यहाँ पे घर की मलाई ली है, आप चाहे तो यहाँ पे फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को एकदम से लो पे रखेंगे, नहीं तो हमारी क्रीम फट जाएगी। तो इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 1.5 कप पानी डाला था। आप अपने हिसाब से यहाँ पे पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हाँ, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी आप मत डालिएगा। और इसे हम लो फ्लेम पे 5 मिनट पकाएंगे। तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं कलर से कि हमारी सब्जी की ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी, गरम मसाला पाउडर और धनिया पत्ता। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और सर्व करेंगे। तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।